हाँ भाई, KKR वालों आ गया साथ। कमेंटेटर बड़े बन रहे थे। अरे जोस बटलर की फॉर्म नहीं है। अरे यार, लक भाई चौका मिल रहा है, छक्का मिल रहा है। तुम्हें पता है जोस बटलर है बुलेट जैसा। पहले बुलेट को स्टार्ट करो, हल्के हल्के चलाते ना, हल्के हल्के। फिर जब इंजन गर्म हो जाता है तो हल्की सी देर से भी कैसी भगती है पानी इतना सुर। वैसे जोस बटलर ने हल्का 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 रन बनाया, हल्का हल्का 50 करी। जब उनने देखा 18 में 45, 46 भाई, छक्का चौका स्टार स्टार, किसी को भी कुछ बक्सा भाई। उनने सीधा ग्राउंड के पार, सीधा गेयर चेंज नहीं, गाड़ी चेंज कर दी बंदे ने। तो आइए चलो मैच की शुरुआत करते हैं। कल का मैच था KKR और राजस्थान रॉयल्स का, तो जिसमें कि राजस्थान ने टॉस जीता और फील्डिंग का डिसीजन लिया। तो ज्यादातर मतलब राजस्थान ने 2020 में भी सबसे बेहतरीन टीम बन गई थी चेस करने में। उनने तब भी 224 करे थे और 2024 में भी उनने 224 ही करे हैं, 24 24। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले बैटिंग करने आए फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण, जिसमें कि फिलिप सॉल्ट ने 13 बॉल में 10 रन बनाए और एक चौका बनाया, और जिसमें कि आवेश खान ने उनका विकेट ले लिया। भाई सुनील नारायण ने जो बैटिंग करी कल, तो राजस्थान वालों को कहना पड़ा नारायण नारायण। सुनील नारायण ने आया 56 बॉल में 109 रन, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब उन्होंने शतक बनाया, अपना सेंचुरी कंप्लीट की, तो किंग खान ने भी सेलिब्रेशन किया था मेरी जान, जिसमें कि उन्होंने 6 छक्के लगाए, 13 चौके लगाए। उसके बाद रघुवंशिया, जिन्होंने 18 बॉल में 30 रन बनाए, 5 चौके लगाए। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, श्रेयस अय्यर कुछ खास ज्यादा चल नहीं सके, 7 बॉल में 11 रन बनाए, 1 छक्का 1 चौका। आंद्रे रसल आए, आंद्रे रसल भी नहीं चल पाए, 10 बॉल में 13 रन 2 चौके सिर्फ। उसके बाद रिंकू सिंह आए, रिंकू सिंह ने बहुत अच्छी पारी खेली, छोटी पारी थी पर बढ़िया पारी खेली, 9 बॉल में 20 रन, जिसमें कि 2 छक्के 1 चौका। और वेंकटेश अय्यर ने 6 बॉल में 8 रन, जिसमें कि 1 चौका मारा, और अमनदीप ने 1 बॉल में 1 रन लास्ट में। और तो इसी के लिए KKR ने अपना टारगेट खड़ा करा 223 का। अब 223 के बाद फिर बैटिंग करने आए यशस्वी जायसवाल एंड जोस बटलर। जोस बटलर ने ओपनिंग करी थी, तो जिसमें कि यशस्वी जायसवाल ने 9 बॉल में 19 रन बनाए और 3 चौके मारे, 1 छक्का मारा, और जोस बटलर खेल ही रहे थे। और फिर संजू सैमसंग आए, संजू सैमसंग के साथ 8 बॉल में 12 रन बनाए, संजू सैमसंग ने 2 चौके और उनका भी विकेट चला गया। रियान पराग आए, रियान पराग ने छोटी पारी खेली 242 के स्ट्राइक रेट से, बहुत अच्छी पारी खेली, जिसमें कि 14 बॉल में 34 रन बनाए, 2 छक्के 4 चौकों के साथ। ध्रुव जुरेल आए, जिसमें कि उन्होंने 4 बॉल में 2 रन बनाए। और रविंद्र अश्विन आए, उन्होंने बैटिंग करना चाहा बट वो बैटिंग खास कर नहीं सके, क्योंकि उन्हें शॉर्ट मार के खेलना था, टारगेट बड़ा था, तो इसलिए उन्होंने 11 बॉल में 8 रन बनाए 1 चौके के साथ। सिमरन हिटमायर, आपने देखा होगा कि वो उन्होंने ऐसा प्लेट ही किया था जब तक कि वो आउट हो, उनका विकेट दिया था वरुण चक्रवर्ती ने और कैच पकड़ा था श्रेयस अय्यर ने। फिर रोमन पावल ने क्या पारी खेली लास्ट में भाई, मजा आ गया। उन्होंने छोटी पारी खेली, अमेजिंग पारी खेली, 13 बॉल में 26 रन बनाए, जिसमें कि 3 छक्के मारे, 1 उन्होंने चौका मारा। फिर उनका साथ देने 10 बॉल्ड आए थे, 10 बॉल्ड रन आउट हुए क्योंकि जोस बटलर ने कॉल कर दिया था डबल रन के लिए। अगर सिंगल रन रहते हो सकता था, विकेट चला जाता, बॉल नहीं होती, तो उनके माइंड में जो चल रहा था उन्होंने कि मैच तो फिनिश करके ही जाना है, तो वो आउट हो गए। उनके साथ फिर आविश खान आए, और जोस बटलर ने जैसे कि पहली पारी में शतक मारा था सुनील नारायण ने, नारायण नारायण जोस इज द बॉस कमिंग, उन्होंने 7 बॉल में 107 रन बनाए, विनिंग पारी खेली, जिसमें कि 6 छक्के और 9 चौके मारे। कहते हैं ना, दाल भाटी चूरमा जोश दसूरमा। तो ये था मैच का हाईलाइट और मैच का रिव्यू। वो कल का मैच देखने वाला अमेजिंग मैच हुआ था ईडन गार्डन में, और मजा आ गया था। जो मेहमान नवाजी करके आए राजस्थान रॉयल, गजब यार। और मैं कहना चाहूंगा यार, जोश इज द जोश हॉस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करके बता दें कल किसकी बारी अच्छी लगी मेरी जान। आज का मैच है गुजरात और DC का, जिसमें कि जो लास्ट मैच गुजरात को राय राशिद खान ने अकेले जिता दिया था, और लखनऊ से DC भी जीत के आ रही है। तो आज का मैच कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से आज का मैच गुजरात जीतेगी।